आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का समापन मंगलवार को हो गया। प्रदर्शनी के समापन अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मंडलीय निदेशक यशपाल सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर खादी के वस्त्र से बने माला से माल्यार्पण किया तथा प्रदर्शनी में अच्छी बिक्री करने वाले व्यापारियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मंडल निदेशक यशपाल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर उद्यमी बने और जनता के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से न केवल कामगारों को रोजगार मिल रहा है बल्कि जनता को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामगारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए बैंक से ऋण मिल रहा है, जिसका सभी व्यापारी लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रदर्शनी में अब तक 85.02 लाख की बिक्री हो चुकी है। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त लालजीत सिंह, राजीव जैन, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खादी ग्रामोद्योग के मंडल निदेशक यशपाल सिंह ने कहा, रंजीत सिंह जी, संयुक्त आयुक्त उद्योग गोरखपुर और आज के गोलघर गोरखपुर आग्रह, श्री रामचंद्र प्रसाद जी, जिला खादी का ग्रामोद्योग अधिकारी, श्री एके पाल जी, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी कुशीनगर और श्री महेंद्र यादव जी, सदस्य प्रदर्शन समिति। अरे कुमार शशिभूषण जी, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय गोरखपुर। हमारे अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। मैं उससे पहले नाट्य दल गोरखपुर की प्रस्तुति गणेश वंदना, पत्रिश नारायण। सिंह सर, निदेशक खादी ग्रामोद्योग आयोग गोरखपुर परिषद। सर थोड़ा सा उधर चले जाए। एक बार जोर डाता नहीं आप सबके, मैं श्री एकेपाल साहब से अनुरोध कर, पाल सर आप भी आइए, श्री और हमारी प्रदर्शन समिति के सदस्य लोकप्रिय अधिकारियों में से एक प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी, जिला कार्यालय गोरखपुर। मैं आग्रह करता हूँ श्री के पाल जी से और अवाक हो जाता हूँ। मैं सत्य के रूप में परमात्मा की पूजा करता हूँ। सत्य की अंतिम समापन का कार्यक्रम दिन है यह प्रदर्शनी। 16 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। विगत 15 दिनों में हम लोगों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे जो खादी ग्रामोद्योग सेक्टर की जितनी भी इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनके माध्यम से जो रोजगार सृजन हो रहा है
उनके द्वारा जो भी उत्पाद, चाहे वो कपड़ा हो या ग्रामोद्योग से संबंधित घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो, उनका जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसका हम लोगों ने प्रदर्शन और विक्रय का कार्य किया है। इस समापन अवसर पर जो भी हमारे मंच पर इस समय आसीन है, मैं विशेष रूप से अपने मुख्य अतिथि श्री यशपाल सिंह जी का, जो निदेशक खादी ग्राम उद्योग आयोग गोरखपुर परिक्षेत्र बैठे हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के मंत्री जी श्री विश्वेश्वरनाथ तिवारी जी का, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर आसीन जिला सूचना अधिकारी श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे सहायक आयुक्त करगा विभाग श्री राम बढ़ाई जी, साथ ही हमारे खादी ग्राम उद्योग संस्थान कुशीनगर के जो मंत्री श्री पंकज पांडे जी, एवं मैं इस पंडाल में उपस्थित सभी दर्शक बंधु, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, मैं सभी का इस कार्यक्रम में इस समय पधारने के लिए और प्रदर्शनी में भ्रमण करने के लिए मैं आप सभी का पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय यशपाल सिंह साहब, निदेशक खादी ग्रामोद्योग आयोग गोरखपुर परिषद, जोरदार तालियां। तीसरा पुरस्कार प्रतिभा शास्त्री खोरिया गोरखपुर, इन्हें पहला पुरस्कार मिला हुआ है, जोरदार तालियां जीत लिए। प्रस्तुति इनके स्टॉल पर है, जोरदार तालियां। पुरस्कार मिला हुआ है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की मंडल स्तरीय उद्यमी पुरस्कार, और इसी क्षेत्र में पहला पुरस्कार दीप नारायण विश्वकर्मा महाराजगंज। इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे आज हमारे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखपुर में 15 दिवसीय इस भव्य प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग जो हमारी खादी और ग्राम उद्योग आयोग से जो जुड़े हुए वस्तुएं हैं, चाहे वो खादी हो चाहे वो ग्राम उद्योग हो, तो उन जो आखिर में अंतिम छोर के आदमी जो इससे कतिन और बुनकर हमारे रोजगार से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो उस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता जिसमें खादी ग्राम उद्योग आयोग जा रहा है, और उन्होंने आकर के आज यहाँ पर एक इस प्रदर्शनी में जो भाग लिया है, इसमें कब के 100 स्टॉल लगा करके अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है और उनकी अच्छी तरीके से बिक्री की है, और ये भी बता दिया कि हमारे जो ये खादी के उत्पाद हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। जैसे बापू जी ने भी कहा था कि खादी वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो वोकल फॉर लोकल की जो बात कही जा रही है, और उस अंतिम छोर तक जाने के लिए उस आदमी को जो है रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके तहत खादी और ग्राम उद्योग भारत सरकार और खादी ग्राम उद्योग आयोग खादी ग्राम उद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से हमारे खादी के साथ साथ ग्राम उद्योग के बहुत सारे आइटम हैं, जैसे हमारा सोप का है, लेदर का है, अगरबत्ती का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, और इस तरीके से हम कम से कम उस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत बैंकों के माध्यम से करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जो है हम उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो लोग अपना अच्छी तरीके से बिक्री करके जो है उन लोगों को काम दे सकें और अपनी रोजी रोटी चला सकें। धन्यवाद।